हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये जिंजर टी आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मदद करेगा और ये जो चाय है साथ ही साथ आपको कोल्ड और फ्लू से भी बचाएगी। तो आप ज़रूर से इसे बना के पिएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है अदरक। तो मैंने लिया है 1.5 बड़ा टेबलस्पून अदरक और अदरक को मैंने इस तरीके से ग्रेट करके रखा है। साथ ही में मैंने दालचीनी ली है। दालचीनी के अलावा आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें लेना है नींबू, हल्दी और काली मिर्च। काली मिर्च मैंने कुछ 15 काली मिर्ची ली हैं और इस तरह से इसे क्रश करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले एक पैन में हमें लेना है 2 बड़े ग्लास पानी। तो ये जो ग्लास है मैंने इसी ग्लास से पानी नापा है, तो ये ले लिया मैंने दूसरा ग्लास। अब पानी में एक बार अच्छे तरीके से बॉईल आने दें। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने अदरक ऐड कर दिया है और अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। अब हमें इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और हल्दी भी ऐड करके एक बार मिक्स कर लें। अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को जो है मीडियम टू लो ही रखना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। इस चाय को हमें अच्छी तरीके से खौलाना है तो इसके लिए आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के बॉईल करें। तो अब मैंने यहाँ पे दालचीनी का पाउडर यूज़ किया है, ये हम ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून। आप चाहें तो इस तरीके से दालचीनी का पीस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस चाय में दालचीनी के पाउडर का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने पाउडर ऐड किया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए आप चाय को एकदम आधा होने तक का खौला लें। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं कम से कम इसे चाय को उबलते हुए। तो आप देख सकते हैं चाय जो है हमारी आधी हो गई है, यह बिल्कुल रेडी है और गैस को मैंने कर दिया यहाँ ऑफ। अब मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है चाय को और उसके बाद हमें छान के चाय को एक कप में निकाल लेना है। तो टोटल मैंने 2 ग्लास पानी लिया था, तो 2 ग्लास पानी जब खौला लिया है हमने तो उसके बाद 2 कप पानी हमारा यानी 2 कप चाय हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ही गर्म चाय में हमें इसमें नींबू का रस ऐड नहीं करना है। तो ये चाय हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसमें मैं 1/1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और नींबू का रस ऐड करने के बाद एक बार अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। यह मैंने 1 कप में थोड़ा सा और नींबू का रस ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून 1 कप में ले सकते हैं नींबू का रस। तो अब हमें इसमें ऐड करना है शहद। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून लिया है शहद और शहद ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारी अदरक की चाय, हमारी जिंजर टी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर से ट्राई करिएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। कोल्ड और फ्लू से लड़ने के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये चाय। आप इसे दिन में 1 कप ज़रूर से पिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। अच्छे लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।